का दोस्तों द रॉयल ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं पंजाब के पटियाला में। इस वक्त है किला चौक से मशहूर जाने जाने वाले एक जगह है और यहाँ पे हम हैं और हमारे साथ चंदन जी है जो मुझे लेकर के यहाँ पर आए हैं ताकि हम घूम सके और देख सके कि कौन सी राजा ने यह किला बनवाया था। और बहुत ही बेमिसाल किला है, आप देख सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो किला है अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नाम दर्ज करती है और आपको हम दिखलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक राजा थे जो कि बहुत ही खूबसूरत किला बना करके चले गए। और ये जो जितने भी एरिया आती है पूरे किला के अंदर है, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी किला है और बहुत ही खूबसूरत और यूं कहे तो बेमिसाल किला बनाया गया था उस समय के समय में। और यहाँ पर आपको हम एक और अद्भुत चीज़ दिखाने वाले हैं। उस समय के टाइम में राजा ने कैसे अपने सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बेमिसाल तोप बनवाई थी और आप देख सकते हैं कि यह मेटल आज भी वही की वही बरकरार है, कहीं से भी थोड़ा सा जंग नहीं लगा है। ये तोप का अगला हिस्सा है और ये जो है तोप का पिछला हिस्सा है। उस समय के टाइम में लगभग 200-300 साल पहले की बात है और यह तोप जो है आज से 200-300 साल पहले से यहीं पर और ऐसे ही अवस्था में इसको रख दिया गया है। और इस तोप पे ये जो इस हिस्सा में बारूद भर करके और आग लाया जाता था और बारूद को जो कटोरी होती थी, बारूद जमा करने की जो कटोरी होती थी जहाँ पे बारूद बना करके बारूद का गोला बना करके रखा जाता था, उस कटोरी को भी हम आप लोगों को दिखलाएंगे। ये है जो कि बारूद बना करके और बारूद को गोला इसमें रखा जाता था और किस तरीके से इसमें बम बनाने वाली जो बारूद होती थी इसी में रखी जाती थी। और ये बहुत ही बेमिसाल है, इसमें लगभग 10 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। मुझे लगता है 10 से अधिक आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी कटोरी है। और इसमें थोड़ा सा जंग लगने के कारण यह ख़राब हो चुका है, फिर भी तोप जो है अपने अवस्था में पूरा बरकरार है। चलते हैं किसी अगले किला की ओर। देख सकते हैं यह किला का उत्तरी भाग है, वह दरवाज़ा चौकट सब कुछ आज भी जैसे के तैसे बरकरार है। आप देख सकते हैं कि कितना बेमिसाल किला उस समय के टाइम में बनाया गया था। और आज भी जो दीवारें हैं जैसे के तैसे बरकरार है, वही अवस्था में है, देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह दीवार का जो साइज होगा, जैसे कि हम लोगों के एरिया में या फिर अभी के समय में दीवार का जो साइज होता है वो लगभग 5 इंच या फिर 10 इंच होता है, लेकिन इस दीवार का साइज आप देख सकते हैं कि लगभग इस दीवार का साइज होगा 50 इंच से कम नहीं होगा। इस दीवार का साइज लगभग 50 इंच होगा। उस समय के टाइम में यह दीवार 50 इंच
के साइज़ में बनाया गया था और यह किला का मेन टेरेस पोर्ट है, देख सकते हैं। इसको मेन बिचला हिस्सा कहिए या फिर किला का मुख्य दरवाज़ा कहिए, वही है। और बहुत ही अद्भुत बनाने का कोशिश किया गया था उस समय के टाइम में, ना तो इतने पढ़े लिखे इंजीनियर थे और न ही इतने काबिल ऑफिसर्स थे उस समय के टाइम में, फिर भी एक बहुत ही अनोखी डिज़ाइन किया गया था, बहुत ही जिसे काल्पनिक भी नहीं कह सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उस समय के टाइम में। और उस समय के टाइम में जो कि दरवाज़ा बनाया गया था, देख सकते हैं दरवाज़ा भी बहुत बेमिसाल बनाया गया था उस समय के टाइम में। आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे उस समय राजा जी ने अपने महलों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बेमिसाल दरवाज़ा बनवाए थे। और यह दरवाज़ा जो है किला का मुख्य दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा किला तो आप लोगों को नहीं घुमा पाए, लेकिन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।